एक्स, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वाई। वाई। बाय तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ जेड होगा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, आयोटा नहीं लेते, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर के सम का रूट। ठीक है बेटा, बोलो हाँ, ऐसे रहने देते हैं। यस सर। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉडुलस को डिनोट करने का तरीका ऐसे होता है, दो बार के बीच में मॉडुलस है ना, और जेड के ऊपर कॉन्जुगेट का सिंबल होगा बार, इसे बार बोलते हैं सिंबल को, क्या बोलते हैं? बार। डन। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है, क्या बोला मैंने? इमेजिनरी नंबर होता है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर है? इमेजिनरी में क्या था? आयोटा का कोफिशिएंट वाई, तो वो माइनस वाई हो गया, इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ साइन चेंज करने को ही कॉन्जुगेट बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आराम से समझना। ओके तो आर्यन, आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, तो मैं जो है चार कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, फटाफट कॉन्जुगेट बोलते चलना, ठीक है? रेडी? ठीक है सर। ओके, 3 + 4 आयोटा, 3 + 3 - 4 आयोटा, 2 - आयोटा, 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, 5 आयोटा, -5 आयोटा, सेवन, -7, आपने नोटिस किया? सेवन, कई जनों ने ओ आयोटा, सेवन, क्या आंसर इसका तो हो आएगा? गई नहीं, सेवन सेवन। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, साइन किस किस के चेंज होते हैं सिर्फ और सिर्फ पाई के इमेजिनरी आयोटा, यानी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी के। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, इनकी ना प्रॉपर्टीज भी होती है मॉडुलस और कॉन्जुगेट के लेकर के, पर इसको बताने से पहले मैं आप सभी को आज का एक नया कॉन्सेप्ट कराना चाहूंगा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म। क्या बोला मैंने? पोलर पोलर फॉर्म, फॉर्म, पोलर फॉर्म पोलर ऑफ अ, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सच बताऊं बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जैसे ही कंप्लीट करूंगा मेरी तरफ से तुरंत चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ये। पर दिक्कत ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है? तो अगर समझ नहीं आए तो दूसरी क्लास अभी जो एक और होगी उसे बहुत तसली से समझना, आज ही आज में। रेडी? अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो पॉलर फॉर्म पता है क्या होती है? पॉलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का एक तरीका होता है, क्या? इन टर्म्स ऑफ ट्रिगो, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। यानी कि क्या किया गया है, एक्स को अगर मान लो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था अगर, तो जिसमें लेट किया गया है जेड एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू माना गया है आर साइन थीटा। तो नेचुरल सी बात है, जब मैं एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा और आयोटा वाई की जगह पे लिखूंगा आर साइन थीटा, तो R कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पर सर अब ये जो क्या है चीज अभी इसमें? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, एक्चुअली क्या है ना, बहुत देर तक, कम से कम मैं 20 मिनट 25 मिनट बोलता रहूंगा अब, ठीक है, तब आपको सारी कहानी समझ आनी शुरू होगी। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ।
यस सर ठीक है तो प्लीज 20 मिनट बहुत तसल्ली से समझना. मैं इसे बहुत सारे तरीके से कर सकता हूँ पर जिस वे में आपको समझ आ रहे मैं उस वे में करूंगा. मान लेते हैं कि ये पहली बात ऐसा सर क्यों कर रहे हो, x को r cos थीटा ही और y को r sin थीटा ही क्यों लिख रहे हो और r का मतलब क्या है. पहले तो मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ. r का मतलब देखो ऐसे समझो जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था x एक्सिस y एक्सिस, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मान लो कोई वैल्यू लिखे मैंने z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसे बोलते हैं आर्गेंट प्लेन. क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के लिए भी कोई ना कोई एक प्लेन तो होना चाहिए. जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था ना, अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा 2, 3 प्लॉट करो तो आप ऐसे करते x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो ऐसे जाते देन ये वाला पॉइंट आता क्या 2, 3, पर इस बार क्या होगा 2, 3 आयोटा. वैसे 2, 3 भी लिखा जा सकता है. तो इस वाले प्लेन को नाम दिया गया है आर्गेंट प्लेन. बात आती है सर इसका कोई यूज है? नहीं, कोई यूज नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए. अब हमारे को बात आती है कि सर इसे लिखने का तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरा तरीका हो गया इन टर्म्स ऑफ ट्रिगो. तो ट्रिगो में लिखने के लिए मैं रटवा भी सकता हूँ आपको, तो 2 मिनट के लिए फिर भी समझ लेते हैं. जो यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन से लेके जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है उसे आर बोलते हैं. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स हो गई और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वाई हो गई. डन, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब सिचुएशन ये आती है कि आर जब निकालने की बात आएगी तो उसे मैं मॉडुलस ऑफ जेड बोलूंगा. क्यों बोलूंगा वो समझते हैं कुछ देर के लिए. जैसे कि मॉडुलस ऑफ जेड तो सबको निकालना आता है ना, तो यानी कि एक तरह से आर निकालना बाय डिफॉल्ट हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैंने कहा अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो क्या माना था, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर क्या माना था, आर साइन थीटा. ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन. मैं दो तरीके से समझाऊंगा इस सारे कॉन्सेप्ट को, जिसको समझ नहीं आएगा ना बहुत इजी वे में भी बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट में. तो क्या करा मैंने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. मतलब अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ. बोलो हाँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर. तो जिसकी वजह से आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, जिसे हम मॉडुलस ऑफ जेड बोलेंगे. हमारे पास पेपर में टाइम होता है कम, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि हम डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ जेड निकाल देंगे जो बाई डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा. मतलब अगर मैं इसी को आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना चाहता हूं तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो ट्रिग हो गया. पर आर कैसे निकालोगे ये तो आप सभी को आता है ना. हाँ जी, आर कैसे निकालोगे, क्लियर है? वेट, बेटर होगा एक बार थीटा भी समझ लेते हैं थीटा क्या होता है. वेट, अब आर्गेंट 2 मिनट के लिए मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा ही क्यों लिया है. ठीक है, क्या आप सभी तैयार हैं? मान लेते हैं एंगल यहां से घुमा थीटा, जिसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, जो समझाऊंगा. बचपन में आपने सीखा होगा कि 90 डिग्री जो होता था, ठीक है, 90 डिग्री जो होता था तो इसे बोलते थे हाइपोटेनियस. थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, ये वाली लाइन क्या हो गई, हाइपो, है ना. अगर मैंने बिना ये सोचे समझे क्या लिखा, x अपॉन एक बार r लिखा और y अपॉन r लिखा, तो पंडित बद्री r मतलब x मतलब क्या है, x का मतलब क्या है थीटा के अकॉर्डिंग, बेस, बेस, और r का मतलब क्या है, हाइपो. हालांकि ये कहीं काम नहीं आने जो मैं अभी समझा रहा हूं, पर यार हम रट नहीं रहे इसे, ये समझ आ रहेगा. ठीक है, और y का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और R का मतलब क्या है, हाइपो. तो बेस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो B अपॉन H क्या होता है, B अपॉन H क्या होता है,
cos थीटा cos थीटा है ना, और p upon h क्या होता है sin थीटा। इसी वजह से अगर आप नोटिस करो तो x बराबर क्या माना गया है r cos थीटा, और y बराबर क्या माना गया है r sin थीटा। मतलब वो गलत तो नहीं लिखा हुआ, हाँ जी। तो मतलब अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में z को r cos थीटा और y को r sin थीटा मान के z बराबर अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में निकालना होगा तो r cos थीटा प्लस iota sin थीटा लिखा जाएगा तो गलत नहीं है। पर सिचुएशन ये है सर, ये थीटा बहुत निकालना मुश्किल पड़ता है, जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो पहले अब जरा सभी ध्यान दीजिएगा, मैं मॉडुलस ऑफ z निकालने की बात नहीं कर रहा अभी, सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज सीखेंगे जिसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है जिसे हम थीटा एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड नाम से, ये होता है थीटा। थीटा निकालने का एक तरीका होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन थीटा का मतलब होगा, एक तो हो गया टेन इनवर्स मोड में वाई बाई एक्स, या tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स भी लिखा जा सकता है। अब वेट, जिसको ये चीज याद नहीं है तो मेरे साथ कुछ वैल्यूज याद कीजिएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आप डायरेक्ट थीटा लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो पाई माइनस थीटा आएगा, थीटा लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो दोनों को नीचे रखा, ठीक है, और माइनस लगा दिया बाहर, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई माइनस थीटा, फोर्थ माइनस थीटा। बेटा जी अभी आपको सभी को लग रहा होगा सर समझ नहीं आ रहा, हालांकि मुझे भी पता है कि मैं सही से भी बताया नहीं है। पहले कुछ देर के लिए रटेंगे, फिर उस चीज को बना के देखेंगे। प्लीज 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 बहुत पेशेंस रखना जो इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ। मैं दो क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। दो क्वेश्चंस करने में हम सिर्फ थीटा निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्वेश्चन मार्क, जिसका मतलब होता है इन शॉर्ट ए आर जी ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम थीटा बोलते हैं। कैसे निकाला जाएगा समझते हैं जरा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया, सपोज If z is equal to 1 minus root 3 iota, क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। तो जैसे कि सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, पहले रटाफिकेशन है पूरा क्वेश्चन, फिर इसे भी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना, अगर आपको थीटा निकालना है तो कंपेयर करना z is equal to x plus iota y से। तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, 1। y की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट थ्री। अगर मान लेते हैं चलो छोटा सा क्वेश्चन होता r निकालना है, तो क्या आप r निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट। r का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हालांकि पूछा नहीं गया है फिर भी मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 + 3 आंसर क्या आ गया, 4। आंसर क्या आ गया, 2। डन। अब वेट, पर मेरे को तो थीटा निकालने की बात कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, ये मैंने ऐसे समझ लिया। टेन इनवर्स मोड में वाई बाई एक्स, पहले से रट लो कुछ देर के लिए, पर ये बना कैसे है ये भी मैं बना के भी बताऊंगा, ठीक है। ये बना कैसे है ये भी मैं सभी को बताऊंगा, पहले अभी कुछ देर के लिए रट लीजिए, जिससे हम क्वेश्चनों को कर करके पहले आंसर मैच करेंगे, ठीक है। टेन इनवर्स दो तरीके करने के, वाई, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू क्या है, 1। एक तरफ आप एक आर्गेंट प्लेन बनाना और ये पता करना एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है करेंगे कैसे, सभी ध्यान दीजिएगा, ये जो है जो वैल्यू आएगी टेन इनवर्स रूट थ्री आई है, रूट थ्री टेन में किस एंगल की वैल्यू होती है, टेन में किस एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री
टेन 60 डिग्री को रूट थ्री बोलते हैं और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? पाई बाई थ्री, याद है? यस सर। अब वेट, अब टेन इनवर्स से टेन गायब हो जाता है, थीटा बचता है, थीटा ही निकालने देखा जाए तो। पर थीटा दो बातों पे, तीन चार बातों पे डिपेंड करेगा, जरा समझते हैं। जिसे मैं साइड में कर रहा हूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, सेकंड क्वाड्रेंट होता, थर्ड होता और ये फोर्थ है, जबकि क्लियर, अगर फर्स्ट होता तो आपको ये दिख रहा है पाई बाई थ्री सभी को, हाँ जी, तो ये मेरे लिए थीटा है। अगर थीटा लिखता, पाई माइनस थीटा लिखता, माइनस पाई माइनस थीटा लिखता और माइनस थीटा लिखता, क्लियर। कार्तिक और आर्यन, हालांकि आपकी ट्रिगो की थोड़ी सी पकड़ कम बनी हुई है, पर जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, तो समझ आपको जरूर आएगा, ठीक है। देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो सीधा आंसर पाई बाई थ्री लिखा जाएगा, मतलब टेन इनवर्स से टेन गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो आप पाई माइनस पाई बाई थ्री करके लिखोगे, जो कि कहलाएगा टू पाई बाई थ्री। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो माइनस पाई माइनस थ्री होता, यानी आंसर हो जाता माइनस टू पाई बाई थ्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आंसर क्या होगा? माइनस पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, पाई बाई थ्री या माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री या माइनस टू पाई बाई थ्री? कौन सा क्वाड्रेंट था? पाई बाई थ्री। कौन सा क्वाड्रेंट था? कौन सा? फर्स्ट। नहीं, रेड मार्क देखो मैंने कहाँ कर रखा है, ये रहा x की वैल्यू, देखो फिर से देखते हैं कैसे पता करेंगे। देखो सुनो, बता दो फिर भी ऐसे पता करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू आप क्वेश्चन में छाटोगे, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आंसर क्या होगा इसका? माइनस पाई बाई थ्री। आया समझ? तो सुनो, फिर भी एक और चीज सीखते हैं। अगर वो बोलता है पोलर फॉर्म और बताओ, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला था जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। देखो जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, वो सारे नोट्स आप सभी के पास तो आ ही जाएंगे वैसे भी तो इसलिए घबराने की तो जरूरत है नहीं। आर की जगह टू लिख दिया जो निकाला था अभी हमने, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डाल दी। अब बहुत बेसिक सी बात है, वैल्यू में डाल देना साइन पाई बाई थ्री और कॉस पाई बाई थ्री की, वरना वापस क्वेश्चन पहुंच जाएगा। बस से ऐसे रहने देंगे, कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आता और साइन का नेगेटिव बाहर आ गया, क्लियर है? बस यही छोड़ देंगे, ये आंसर है, क्लियर है? ये पोलर फॉर्म हो गई। बस ये पोलर फॉर्म बनाने का तरीका है। एक बार आप सभी प्लीज प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा, एक बार और क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करूंगा, जिसको समझ आ गया ठीक, जिसको नहीं आया तो बेटा जी पहले ट्राई करेंगे फिर पूछेंगे, ठीक है? पहले ट्राई करो फिर विश्वास करो। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। दैट इज इक्वल टू सपोज माइनस टू प्लस के टू, चलो टू आयोटा है, रेडी? Yes, sir. सबसे पहला काम आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे, कंपेयर z इज इक्वल टू x प्लस iota y। तो x की वैल्यू क्या है? माइनस टू। माइनस टू। और y की वैल्यू क्या है? टू। डन। r का फॉर्मूला क्या है? रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, है ना? तो जो की फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? फोर प्लस फोर एट, एट को लिखा जा सकता है टू रूट टू। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वेट, दूसरी बात मैंने अभी बताई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना, जिसे हम बोलते हैं थीटा, ठीक है? तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स
इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर, मतलब वाई अपॉन एक्स। वाई भी आपको क्वेश्चन में छाट ही लोगे, वाई क्या है? टू। एक्स क्या है? माइनस टू। अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसे पॉजिटिव बना लेना, मॉडुलस से मतलब ये है। तो टेन इनवर्स वन हो गया। वन टेन में किस एंगल की वैल्यू होती है? 45। और टेन 45 को क्या बोलते हैं? पाई बाय फोर। पहले ये क्लियर है, ये सारी वैल्यूज अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, अब सुनो 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 सुनो, सभी ध्यान से सुनो। अब मेरे को तो क्वाड्रेंट देखना है, यानी अब मैं दोबारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यही वाला। अब देखो, सबसे पहले y की जगह y डाल देना, x की जगह x डाल देना, ठीक है। 45 डिग्री को पाई बाय 4 तो बोलते हैं, मैंने लिख दिया। अब कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं वापस। जैसे कि x क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ होगा? लेफ्ट राइट। x नेगेटिव है, नेगेटिव x कहाँ होगा? लेफ्ट में, राइट में, ऊपर या नीचे? लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है। y पॉजिटिव, राइट में, ऊपर नीचे, लेफ्ट? सर ऊपर। सर ऊपर। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा। थर्ड में लिखेंगे तो वो होता है माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा। ये रटने हैं, रीजन क्योंकि जो पोलर फॉर्म का आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो वो ये कहता है आंसर हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में आना चाहिए। तो उसके लिए ये आर डी शर्मा में, जो आर डी शर्मा बुक है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपरली समझाया गया है। देखो सुनो, फिर से समझते हैं। तो जो थीटा है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो आपका आंसर पाई बाय फोर होता है, दिख रहा है ये वाला। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो आप क्या लिखोगे? पाई माइनस पाई बाय फोर वाला। थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो आप क्या लिखोगे? माइनस पाई बाय फोर वाला। अगर फोर्थ होगा तो आप क्या लिखोगे? माइनस पाई बाय फोर। तो बताओ थीटा बराबर कौन सा वाला लिखा जाएगा? पाई माइनस पाई बाय फोर। कौन सा लिखा जाएगा? पाई माइनस क्वाड्रेंट वाला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई बाय 4। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थीटा भी मुझे पता है, आर की वैल्यू अभी आई थी 2√2, और हमारे को निकालनी थी पोलर फॉर्म, मान के चलो। तो पोलर फॉर्म क्या है? जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, डन। बस रखना होता है, आर की जगह आर रखा, थीटा की जगह लिखा हमने 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या लिखा? 3 पाई बाय 4। यही हमारा आंसर है, इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। आया समझ? बोलो हाँ। yes, सुनो yes, एक का एक काम करते हैं, एक मिनट के लिए सभी ध्यान दीजिएगा। दो एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज ओपन कीजिए फटाफट। 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक दिख रहा है? 8 है 9 है, कितने क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में? कितने क्वेश्चन हैं सर? 10 है टोटल। 10 क्वेश्चन हैं। तो हेडिंग पढ़ो, क्वेश्चनों की हेडिंग पढ़ो, क्या दे रखी है, क्या क्या फाइंड करना है सर? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। अरे 3.2 बोली मैंने, ये सॉरी 5.2 एक्सरसाइज देखो सर। 1 2 8 आठ क्वेश्चन है, सॉरी 5.2 एक्सरसाइज देख ली सबने? यस सर। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है फॉर सेकंड क्वेश्चन में। तो मॉड्यूलस पता है किसे बोलते हैं? यस सर। आर्गुमेंट मतलब थीटा निकालना आ गया। यस सर। और फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? पांचवे से सर पोलर फॉर्म निकालनी है। पोलर फॉर्म निकालने आ गई। यस सर। अब सुनो, कुछ वैल्यूज याद कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन करना। चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चार क्वेश्चन अभी के अभी आप करेंगे। इसमें आप सभी को पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। फाइंड पोलर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन है 2 माइनस 2 आयोटा
रूट थ्री प्लस आयोटा माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा टू रूट थ्री माइनस टू आयोटा। ये चार क्वेश्चन है, ये चारों करने हैं। जिसको दिक्कत ना आए मैं उसके लिए लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला एक तो टेन थर्टी डिग्री, जिसे हम टेन पाई बाई सिक्स बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है वन बाई रूट थ्री। टेन फोर्टी फाइव डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री को बोलते हैं टेन पाई बाई फोर, तो ये होता है वन। टेन सिक्सटी डिग्री, जिसे बोलते हैं टेन पाई बाई थ्री, इसकी वैल्यू होती है रूट थ्री। टेन नाइन्टी डिग्री यानी टेन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी कभी कभी बन सकता है, बताऊंगा जब एनसीईआरटी करोगे। और टेन जीरो इज इक्वल टू टेन जीरो, आंसर जीरो, डन। फिर जो आपको छोटी छोटी बातें बताई थी वो लिख लेते हैं। आर निकालने का मतलब है पोलर फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सबने। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी आपको ये फाइंड करना है। आर का मतलब बताया था क्या, कि मॉडुलस ऑफ जेड होता है। मॉडुलस ऑफ जेड बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकालेंगे। थीटा का मतलब है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब जो थीटा है वो कैसे पता करेंगे, क्वाड्रेंट के बेसिस पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो पाई माइनस थीटा, दोनों को पहले नीचे लगाया और होल के बाहर माइनस लगाया। थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस थीटा। ये क्लियर है, ये चार क्वेश्चंस फटाफट करके दिखाइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। किसको समझ नहीं आया नाम बेटा, जिसको नहीं समझ आया मैं करके दिखाऊंगा दोबारा से। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा पूरा, वेट। अभी चार क्वेश्चन इसलिए दिए, जिसको आ गया है वो कर लेगा। पहले चार क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो मैंने सॉल्व करा है उसको मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसको देख देख के करना, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन में वाई की वैल्यू वन आएगी ना,